हाँ स्टूडेंट्स, तो हम अभी पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस, देखे थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो रहता है, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, अगर हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखे तो ऑस्मोसिस आर टू टाइप्स। ओके, एंडोस्मोसिस, ओके, एंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस। ओके, एंडोस्मोसिस और एक्जोस्मोसिस। ओके, मान लो हम एक जार लेते हैं, मान लो एक्जोस्मोसिस की बात करें तो एक जार लेते हैं, ओके, ये हुआ एक्जोस्मोसिस, जार लेते हैं। मान लो उसमें एक सेल्स है, दीज आर सेल्स। मान लो ग्रेप है, क्या है, ग्रेप, अंगूर, सेल्स लिए। अब मान लो इसमें हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, क्या है, हाइपरटॉनिक। कल मैं बताया था हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन मतलब H2O कम, ओके, H2O कम और सॉल्यूट्स ज्यादा, मतलब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन मीन्स दिस आर हायर कंसंट्रेटिंग सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेटेड, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, जब हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, ओके, अब इस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इस सेल्स को यहां पे पुटअप कर दिए, डाल दिए, पुट ऑन। ओके, हम देखते हैं जैसे ही सेल्स को यहां पे डाले, सेल्स से रिलेटेड जितने भी इसके फ्लूइड्स हैं बाहर निकलने लगते हैं, जो द्रव हैं इसके, लिक्विड्स हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं और इसका साइज कैसा हो जाता है, बीजा सिकुड़ जाता है। इस सिकुड़न को या इस श्रृंखल को श्रिंकेज हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल प्लाज्मोलाइज्ड, क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है सेल। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, संकुचित, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड, या इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, या इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, द सेल्स इज प्लाज्मोलाइट सेल्स। तो आप देखेंगे ये सिकुड़ गया सेल्स और बाकी सारे लिक्विड्स हो गए, तो इससे हमको प्रूफ होता है कि एक्जोस्मोसिस कंडीशन में क्या रहता है, अगर जो नॉर्मल सेल्स है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर हम सेल्स को डालते हैं तो इससे लिक्विड जो रहता है वो बाहर निकल के सिकुड़ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। ओके, तो आप देख सकते हैं प्लाज्मोलाइट सेल्स, जस्ट अगर हम इसी चीज को यहां पे रखें, अगर यहां पे अगर इस पे एक्सपेरिमेंट करें तो क्या हो जाता है, यहां पे डी प्लाज्मोलाइसिस। इसी को जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस। ओके, जो सिकुड़न सेल्स है वो क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। आ गया समझ में, क्योंकि यहां पे क्या रहेगा, वाटर एंटर करने लगेगा, जब इसमें वाटर एंटर करने लगेगा
तो दीज आर टर्जिट, तो सेल्स क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, फुल जाएगी. क्लियर. तो इस तरीके से हम ऑस्मोसिस को क्लियर समझते हैं. फिर हम बात करते हैं इसके बाद, ओके, इंबिबिशन. इंबिबिशन 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 का मतलब होता है अंतःचूषण. इंबिबिशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एडजॉर्प्शन. तो यहां पर हम दो स्टेप को बात को क्लियर करेंगे, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन. ओके, यहां दो बातों को क्लियर करेंगे जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. ओके, देयर टू. आप देखेंगे दीज आर एब्जॉर्प्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, अवशोषण. ओके, नेक्स्ट दीज आर एडजॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन. इसका मतलब होता है अधिशोषण. अधिशोषण, आप दोनों चीज को क्लियर कट देख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन और अधिशोषण में. एब्जॉर्प्शन में अगर मान लो कोई कपड़ा है पूरा गीला हो जाता है, अगर पानी में डालेंगे तो गीला हो गया, वो एब्जॉर्प्शन है. अगर आप रेनकोट पहनते हैं तो आप देखते हैं उसको सुपर सरफेस जो रहता है, अपर सरफेस में पानी के ड्रॉपलेट जो रहते हैं वो लगे रहते हैं, जस्ट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंबिबिशन. एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ इंबिबिशन. ओके, सबसे पहले इंबिबिशन के लिए बस लॉजिक कॉन्सेप्ट जो है, एडजॉर्प होता है, एडजॉर्प के बाद से डिफ्यूज होता है, फिर क्या होता है, फिर वाटर जो रहता है डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज के बाद वो सरफेस क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, मतलब स्वेल अप हो जाता है. क्या होता है, स्वेल मतलब फूल जाता है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है डोर. अब देखते हैं जो दरवाजा होता है बरसात के दिनों में फूल जाता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंबिबिशन. ओके, सीड जर्मिनेशन, सीड भी अगर जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले एडजॉर्ब होता है, फिर डिफ्यूज होता है, फिर फूलता है, फिर फट जाता है, फिर नया प्रांकुर या प्लूमुल डेवलप करके पूरा शूट सिस्टम, रूट सिस्टम फॉर्म कर देता है. ठीक है, रेडिकल्स से रूट सिस्टम एंड सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर क्लियर स्टूडेंट्स, बोथ आर क्लियर. टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड इंबिबिशन. इंबिबिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःचूषण, अंतः चूषण. ओके, दीज आर क्लियर द बेस्ट कॉन्सेप्ट. अब हम देखते हैं, ओके, टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर जिसको हम हिंदी में स्पीत दाब बोलते हैं, और इसको एक नाम से और जानते हैं, हाइड्रो स्टेटिक, हाइड्रो
स्टेटिक प्रेशर, हाइड्रो स्टेटिक प्रेशर, हाइड्रो स्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ओके। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में हम देखते हैं टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं स्फीत दाब। क्या बोलते हैं? स्फीत दाब। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो टर्गर प्रेशर अगर आप देखेंगे, सेल, ओके, दीज आर वॉल, क्लियर। अगर हम देखें दीज आर वैक्यूल, ओके, वैक्यूल। अब देखिए जब सेल्स टर्जिट होता है, तो टर्जिट होते हैं तो एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। जब सेल्स अगर वाटर इनमें फिलअप हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में टीपी बोलते हैं। जब टर्गर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसी के इक्वल और बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो देता है? वॉल प्रेशर, ओके, वॉल प्रेशर। इसको बोलते हैं डब्ल्यू पी, वॉल प्रेशर, ओके। टर्गर प्रेशर जो रहता है केवल लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है। दिस ऑकर्स इन, दिस आर प्रेजेंट, दिस आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, ओके, लिविंग सेल्स, दिस ऑकर्स इन लिविंग सेल्स। आप देखते हैं जो टर्गर प्रेशर जो होता है, टर्गर प्रेशर के कारण ही, टर्गर प्रेशर को शॉर्ट में टीपी बोलते हैं, टर्गर प्रेशर के कारण ही एक प्लांट जो रहता है स्ट्रेट, टर्गर प्रेशर के कारण ही प्लांट स्ट्रेट रहता है, प्लांट स्ट्रेट ग्रोथ में हेल्प होता है, प्लांट एक यूनिवर्सल ग्रोथ करते हैं, ओके। टर्गर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है प्लांट के लिए, प्लांट स्ट्रेट रहता है, ग्रोथ करता है इसे यूनिवर्सली डायरेक्शनल्स, ओके। ग्रोथ के दौरान जो रहता है, जब ग्रोथ होती है तो टर्गर प्रेशर के कारण जो रहता है स्ट्रेट सीधा चलते जाते हैं, ओके। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर का मतलब होता है जब वाटर कंप्लीट एक प्लांट लीफ या सेल्स में जब रहता है कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लेता है, कंप्लीट हो जाती है, तो टर्गर प्रेशर जो रहता है हमेशा इक्वल वॉल प्रेशर का रहता है, ओके। इसलिए हम देखते हैं, ओके, जो टर्गर प्रेशर जो रहता है इक्वल और अपोजिट जो रहते हैं वॉल प्रेशर, मतलब सेल वॉल के थ्रू हमेशा, इसलिए हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल होती है, जो प्लांट सेल अगर होगी तो प्लांट सेल की एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट, एक डेफिनेट शेप होता है, ओके, एक डेफिनेट शेप होता है किसका? प्लांट सेल का। क्यों? टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होने के कारण जो एक शेप, डेफिनेट शेप होता है। लेकिन एनिमल में देखेंगे तो एनिमल वॉल नहीं होता है, इसलिए इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, नो शेप, नो शेप इन एनिमल, नो शेप इन एनिमल सेल ड्यू टू लैक या अब्सेंट ऑफ वॉल, ओके। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर, क्लियर। अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे हैं टर्गर प्रेशर, ओके। टर्गर प्रेशर आल्सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आप देखते हैं कि टर्गर प्रेशर सेल्स में जब पानी
जब इसमें वाटर फिलअप हो जाता है, भर जाता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के कारण जो रहता है, इसमें टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर जितना एक्सपांड होगा, जितना फैलेगा वाल, उसको उतना ही उसको अपोजिट करके एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे प्लांट स्ट्रेट रहने में मदद होती है और उसको ग्रोथ के दौरान भी हेल्प मिलता है। ओके, टर्गर प्रेशर प्लांट सेल जो रहता है डेफिनेट शेप होती है इसके कारण, और एनिमल का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है क्योंकि इसमें वाल नहीं पाई जाती। तो यह टर्गर प्रेशर की बात। ओके, और केवल याद रखना है ये केवल लिविंग सेल्स में होते हैं। ओके, क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब हम आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डीपीडी। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ओके, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब देखेंगे डिफ्यूजन डिफ्यूजन प्रेशर प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दीज आर ऑल्सो नोन एज डीपीडी। ओके, डीपीडी ऑल्सो नोन एज डीपीडी, और इसी को क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। क्या बोलते हैं इसी को, सक्शन सक्शन प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, सक्शन प्रेशर। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी या सक्शन प्रेशर। अब हम सबसे पहले डीपीडी का मतलब हमको जानना है, डीपीडी का डेफिनेशन, इसके प्रोसेस को बाद में देखेंगे, आखिर डीपीडी का मतलब क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। तो डीपीडी मींस होता है, डीपीडी मींस होता है वाटर डिमांड इन सेल। एक सेल में पानी की जरूरत, पानी की कमी। ओके, वाटर डिमांड इन सेल, ठीक है ना, एक सेल्स में, कोशिकाओं में कौन सी, पादप कोशिकाओं में जल की कमी को दर्शाता है। वाटर डिमांड इन सेल, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, वाटर डिमांड इन सेल, एक प्लांट सेल में वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायर कितना है, जिसको हम डिमांड है उसको हम शो करते हैं डीपीडी के थ्रू। ओके, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीपीडी की अगर बात करें तो डीपीडी को, डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी होती है उसी को डीपीडी कहते हैं। पहले देखते हैं, पहले ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर डिमांड इन सेल, एक सेल में, एक प्लांट सेल में जो प्लांट, एक प्लांट सेल में जो पानी की जो कमी है उस सेल में, अगर पानी कम है, पानी लॉस हो चुका है, उसकी कमी को डीपीडी से हम शो करते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डीपीडी को समझने के लिए हमारे पास फिर पॉइंट्स हैं। ओके, दो जार लिए। ओके, दिस आर प्योर वाटर। ओके, प्योर वाटर, दीज आर सॉल्यूशन। ओके, दीज आर सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं जब वाटर मूवमेंट होगा, ओके, तो यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर, हम जानते हैं प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, और सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर कम।
इस दोनों के डिफरेंस को ही, इन दोनों के डिफरेंस को ही, ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डीपीडी। ओके, प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम, सॉल्यूशन का प्रेशर, जो डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है, इन दोनों की जो प्रेशर डिफरेंस है या जो उनकी दोनों में जो कमी आया डिफरेंस में, जो डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी है, उस कमी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डीपीडी। ओके, डीपीजी को समझाने के लिए फिर हम एक इक्वेशन से समझते हैं। डीपीडी को समझने के लिए एक इक्वेशन से समझते हैं। डीपीडी इक्वल, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ओके, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि डीपीडी भी नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करता है। ओके, डीपीडी भी किस पर डिपेंड करता है? डीपीडी भी, हमारा डीपीडी भी किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट्स की मात्रा पर डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर। अब यहां पे हम देखें तो टर्गर प्रेशर के बेस पर, टर्गर प्रेशर अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्गर प्रेशर के बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास थ्री टाइप सेल्स हैं। देखो, अगर फुल्ली टर्जिड सेल है तो हम देखते हैं फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होता है, खुद ऑलरेडी तो टर्जिट है तो टर्गर प्रेशर क्या रहेगा यहां पर? ओके, टर्गर प्रेशर जो फुली टर्जिट है, टर्गर प्रेशर क्या है? पॉजिटिव है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है, पॉजिटिव है। ओके, टर्गर प्रेशर अगर कोई फ्लेक्सिल सेल है तो टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। अगर फ्लेक्सिल सेल है तो ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। ओके, अगर कहीं प्लाज्मोलाइट सेल्स हैं, क्या है? प्लाज्मोलाइट सेल्स तो ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाता है? निगेटिव। तो ट्रिगर प्रेशर क्या हो जाता है? निगेटिव। टर्गर प्रेशर क्या हो जाता है? निगेटिव। तो हमको देखते हैं थ्री टाइप सेल्स है, तो थ्री टाइप सेल्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर कहीं इस तीनों टाइप के सेल्स अगर फुली टर्जिट सेल्स हैं, अगर आप देखेंगे फुली टर्जिट सेल्स, फ्लेक्सिड सेल्स और प्लाज्मोलाइट सेल्स, अगर तीनों को अगर हम वाटर देखेंगे, तीनों में किसमें वाटर डिमांड है कि नहीं है, तो यहां पे अगर हम डीपीडी देखें और टर्गर प्रेशर की वैल्यू को यहां पे रख के, तो आप देखते हैं कि फुली टर्जिट सेल में टर्गर प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, फुल टर्जिट सेल्स है तो क्या है? नो वाटर रिक्वायर। इनमें डिफरेंस होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं है।
तो यहां पर जो रहता है नो वाटर रिक्वायर, ओके, नो वाटर रिक्वायर, ओके। अगर हम फ्लेक्सी सेल में देखें और स्टर्गर प्रेशर को अगर यहां पे जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा, डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया। क्या हुआ, यहां पे डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो गया, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी अगर हो गया तो वाटर रिक्वायर चालू हो गए, मतलब वाटर इज नीड, ओके। नीड, अगर हम प्लाज्मोलाइट सेल्स है, अगर प्लाज्मोलाइट सेल्स है, अगर देखें प्लाज्मोलाइट सेल्स, प्लाज्मोलाइट सेल्स में टर्गर प्रेशर नेगेटिव है तो इस वैल्यू को अगर यहां पे हम रखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू रखने पर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। अगर यहां पे पॉजिटिव हो गया तो डीपीडी जो रहता है इन दोनों से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर हो गया मतलब मैक्सिमम वाटर रिक्वायर, ओके, मैक्सिमम वाटर रिक्वायर, ओके। जो प्लाज्मोलाइट सेल्स है ओनली सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, नो वाटर इज अ मैक्सिमम, ओके। तो इस बेस पे हम क्या बोलते हैं, डीपीडी ऑर्डर के बेस पर हम देख सकते हैं, ओके, कि मैक्सिमम वाटर प्लाज्मोलाइट्स फिर फ्लैक्स है, इसमें तो एकदम बिल्कुल फुली टर्जिड सेल्स है, ओके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो डीपीडी के थ्रू वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, अगर आप देखेंगे, अगर मान लो सेल्स है, ओके, यहां पे सेल्स है, ठीक है, तो जो सेल्स की अगर बात करें तो वाटर मूवमेंट हमेशा याद रखना, अगर वाटर मूवमेंट हमेशा लोअर डीपीडी, क्या वाटर मूवमेंट हमेशा, वाटर का जो मूवमेंट होता है लोअर डीपीडी, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी के थ्रू होता है, ओके। अगर डीपीडी कम डीपीडी से हाई डीपीडी, जितना डीपीडी बढ़ेगा वाटर वाटर की जरूरत उतना ज्यादा सेल्स में होने लगेंगे, ओके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर मूवमेंट जो रहता है डीपीडी के थ्रू, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, अगर आप इसको और एक्सप्लेन करके देखें तो आप देख सकते हैं लोअर डीपीडी टू वाटर का मूवमेंट जो होता है हायर डीपीडी, ओके, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, दीज आर वाटर मूवमेंट फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीपीडी। और हम एक बात कह देते हैं, जो डीपीडी ही होता है उसको आज के डेट में, ओके, डीपीडी को ही आज के डेट में वाटर पोटेंशियल कहते हैं। रियल में जो वाटर डिफिशेंस जो होता है, वाटर का मूवमेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन जो रहता है डीपीडी डिफरेंस के कारण ही होता है, लेकिन इसको एग्जैक्ट समझाने के लिए हमारे एनसीईआरटी बुक में स्पेशली इसको वाटर पोटेंशियल के नाम से दिया गया है। इस चीज को ध्यान दीजिए, हेलो, इसमें ध्यान दीजिए कि जो वाटर पोटेंशियल जो है, ओके, जो वाटर पोटेंशियल है, आप देखेंगे कि जो वाटर पोटेंशियल होते हैं, अगर आप देखेंगे वाटर पोटेंशियल, अगर आप देखेंगे वाटर पोटेंशियल, ओके, वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल को
psi w वाटर पोटेंशियल को psi w के से शो करते हैं वाटर पोटेंशियल. ओके, नावाडेज डीपीडी कॉल्ड देम वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल, ओके, बट साइन इज अपोजिट एंड साइन इज अपोजिट. ओके, वाटर पोटेंशियल इक्वल माइनस डीपीडी. क्लियर, वाटर पोटेंशियल जो रहता है डीपीडी के इक्वल और अपोजिट के इक्वल होता है. हम डीपीडी के वाटर पोटेंशियल अगर बात करें तो जब ये जहां भी इसके साइन का अपोजिट होंगे. वाटर पोटेंशियल को एग्जैक्ट समझाने के लिए अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, इसको ऐसा मानते हैं अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी जो थर्मोडायनेमिक्स के रूल को फॉलो करता है. इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी. इन अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, और इसको समझाने के लिए हमारे पास जो रहता है थर्मोडायनेमिक्स रूल को अप्लाई करते हैं. ओके, तो अंडरस्टैंड तो बेटर अंडरस्टैंड को समझना है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स रूल फॉलो करते हैं. ओके, थर्मल रूल क्या बोलते हैं, न एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. कोई भी एनर्जी तब होगी जब वो पूरी कलेक्टिवली, जब हम सिस्टम को, जब एनर्जी फ्री एनर्जी जो फॉर्म होगी तभी वो सिस्टम जो रहता है कैन डू वर्क. जब वो सिस्टम पूरा, जब उसमें एनर्जी, जब जितनी फ्री एनर्जी अमाउंट रहेंगे तो जितना जैसे जैसे फ्री एनर्जी जितना ज़्यादा होते जाएगा वर्क करते जाएंगे, और जैसे एनर्जी जो फ्री एनर्जी कम होते जाएगा तो सिस्टम जो रहता है फिर काम अपना काम करने है. तो ये जो सिस्टम को जो वर्क करने का जो रहता है वो उसमें क्या है, फ्री एनर्जी फॉर्म पर यूज करते हैं. और ये पूरा किसमें, किसको फॉलो अप करता है, थर्मोडायनेमिक्स रूल्स. ओके, इसको और अच्छे से बेहतर समझना तो पहले डीपीडी को समझ लेंगे. डीपीडी जो है और जस्ट इसी साइन को अपोजिट करते हैं तो वाटर पोटेंशियल होता है. ओके, वाटर पोटेंशियल के लिए वही चीज होता है जहां पे सेम टू सेम, जहां पर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वाटर पोटेंशियल में, इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड पे डिपेंड करता है सॉलिड पोटेंशियल. टर्गर प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल. ओके, तो यहां पे अगर इसको, इसी रूल को अगर हम देखें यहां पर तो हमको दिखता है वाटर पोटेंशियल इक्वल, अगर हम देखें तो सेम फार्मूला जो हम यूज कर सकते हैं साई एस सॉलिड पोटेंशियल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, अगर हम माइनस यहाँ पे करते हैं, और तो टर्गर प्रेशर के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं, टर्गर प्रेशर के लिए हम बोल सकते हैं सॉलिड प्रेशर, एक अपना तो प्रेशर पोटेंशियल. ओके, इसको माइनस प्लस माइनस. ओके, ऐसे अगर हम साइन चेंज कर सकते हैं, ये सेम टू सेम यूज है, बस में ध्यान देना है. तो यहां पर जो रहता है हायर ऑस्मोटिक, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर क्या बोलते हैं वाटर पोट, जस्ट इसका अपोजिट मूव करता है. इसको समझने के लिए बस जस्ट आप डीपीडी को ध्यान में रखिए तो ऑटोमेटिक वाटर पोटेंशियल जो रहता है क्लियर हो जाएगा. ओके, तो कैन डू इज वर्क. ओके, तो ऑल आर थिंग क्लियर. अब हम पढ़ते हैं.